Assalamualaikum, welcome back to my channel. आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो रिसेंटली मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स न्यू परचेज किए हैं, उनमें से जो मेरे फेवरेट हैं अब तक, उनके बारे में रिव्यूज़ दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मे भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हों। सो लेट्स बिगिन विद माई फेवरेट वन विच इज़ अ सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज़ बाय अर्बन डिके, जो कि एक हाई एंड ब्रांड है और काफ़ी कॉस्टली है। अच्छा, इसका नाम है ऑल नाइटर अल्ट्रा मैट, ये है सेटिंग स्प्रे जिसको मेकअप फिक्सर भी कहते हैं। इसके हमेशा अच्छे रिव्यूज देखने को पढ़ने को मिले, हर कोई इसको बेस्ट कहता है। तो मैंने भी परचेज किया और परचेज करने के बाद, यूज करने के बाद, आई रियलाइज कि इसको बेस्ट क्यों कहते हैं। मतलब अब तक जितने भी मैंने सेटिंग स्प्रेज यूज किए हैं, ये वाकई बेस्ट है। और इसमें बेस्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये होता क्यों है, जब हम अपना फुल फेस मेकअप कर लेते हैं तो एंड पे हम स्प्रे करते हैं इससे, और इसमें अच्छी बात क्या है कि मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जैसे एक ब्लश, हाइलाइटर, चीज़ें सब अलग अलग से नज़र आ रही होती है, वो नज़र नहीं आती, सब मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और एक बड़ी मज़े की लुक देता है। और ऑब्वियसली मेकअप आपका देर तक रहता है। फॉर इंस्टेंस, जो मेकअप आपका 3 to 4 hours तक रहता है इस स्प्रे के बाद, वो आप कह लें कि 2 घंटे या 3 घंटे मजीद रहेगा। आपको हल्का सा टचअप करना पड़ेगा जैसे हम यूजुअली करते हैं फेस पाउडर से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या, हर कोई ये रिकमेंड करता है कि ये वाला सेटिंग स्प्रे लाजमी लें। ये तो स्मॉल बॉटल है, इसमें बड़ी बॉटल भी आती है, एक ही बार इन्वेस्ट करें और अच्छी चीज़ ले लें। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, जो कि एक मार्कर आईलाइनर है मेबेलिन का। मेबेलिन जो है वो एक अफोर्डेबल ब्रांड है। इसकी टिप कुछ इस तरह से है, जो विंग्ड आईलाइनर के लिहाज से अच्छी है, और ये जेट ब्लैक है। मैंने इसको परचेज किया था ऑलमोस्ट $11 में। अब तो खैर डॉलर की प्राइस काफ़ी हाई हो गई है, मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट आप कह लें 1400-1500 में, तो अब उस लिहाज से इसकी प्राइस भी हाई होगी डेफिनेटली। मज़े की बात यह कि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। तो ये रिकमेंडेड है, लाजमी लें। नेक्स्ट है मेरे पास सेल्फ का पटी प्राइमर एंड ब्लश, दोनों चीज़ें क्रीम फॉर्म में हैं, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लश की। इसका मुझे शेड बहुत पसंद है और इसका नाम है टहीटी। काफ़ी क्रीमी है, बल्कि गर्मियों में ज़्यादा क्रीमी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ऐसा होता है, तो इजीली ब्लेंड हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि मैं इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। मैं ब्रश इसके अंदर डिप करके लगाती हूँ, वैसे मैं इसको गर्मियों में फिंगर से भी लगा लेती हूँ। प्राइस अराउंड $6 है और प्राइमर जो है वो अराउंड $8 है। अगर मेकअप ना भी किया हुआ हो, हाल इसको चीक्स पे लगाएं तो बड़ी एक अच्छी लुक आती है, बड़े फ्लश से चीक्स लगते हैं। इसमें आई थिंक 6 to 7 और भी शेड्स हैं। अब आते हैं प्राइमर की तरफ, जो कि एक ल्यूमिनस प्राइमर है। इसमें शाइन होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें एक मैट में भी आता है जो कि खाली मॉइस्चराइज करता है फेस को। ये वाला जो है वो फेस में ग्लो सा ले आता है, एक शाइन सी ले आता है। इस प्राइमर में 3 types आती हैं। अगर आपने ग्लोई मेकअप करना है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप दूसरा यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्राइमर, इट इज़ बाय मिलानी रोज प्राइमर प्रेप एंड हाइड्रेट। ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये प्राइमर बेस्ट है अगर आपकी ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। तो इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, एक्सपेंसिव से लुक आती है। दूसरा ये है कि लाइट वेट इसके ऊपर मेंशन भी है, और वाकई ये लाइट बेस है, बहुत ही अच्छे से आपका फेस मॉइस्चराइज करता है, स्पेशली सर्दियों में। मेरी ड्राई स्किन है तो सर्दियों में ये तो बेस्ट आप कह लें मॉइस्चराइजर। लाइट पिंक सा इसका कलर, उप्स कैप खोला वॉज अ बैड आइडिया, अब इसे काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। एनीवेज, प्राइस इसकी $11 to $12 है। अगर चाहते हैं कि मेकअप से पहले फेस को अच्छे से प्रेप करें तो फिर ये लाजमी लें। भाई मेरा तो ये फेवरेट है और मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी। एक बात तो मेंशन करना भूल ही गई, इसकी स्मेल इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी फाउंडेशन, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद यूज़ भी किया हो। इट्स बाय लोरियल इनफेलिबल 24 hours फ्रेश वियर। ये मैंने बहुत पहले यूज़ किया था आप कह लें कुछ साल पहले, उसके बाद मैंने बहुत टाइम बाद दोबारा से ये लिया है और मैं खुश हूँ अपनी इस परचेज से। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने इतना अरसा बीच में ये क्यों नहीं लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि डेली मेकअप के लिए कोई फाउंडेशन रिकमेंड करे तो मैं ये वाला करती हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि आपके फेस पे ही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, चाहे आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं या ब्रश से लगाएं। ये शेड जो आप देख रहे हैं ये मेरा अपना एग्जैक्ट शेड है और ये है 445 वेनिला। 2200 to 2500 के दरमियान में आपको मिल जाएगा। ईजिली डिवॉटसन से लें, शाहीन से लें, किसी भी मेकअप स्टोर से ले लें। इसकी कैप उतार के मैं दिखाना भूल गई, इसकी बॉटल जो है वो पंप वाली है और पंप वाला जो फाउंडेशन होता है वो इजीली यूज़ हो जाता है, तो ये फाउंडेशन रिकमेंडेड है। अब जो प्रोडक्ट है वो है एक ब्राउ जेल। बहुत अरसे से मैं जूश का, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, वो यूज़ करी थी, आपको पता ही होगा।
अब जो है मैंने कुछ अर्सा पहले चेंज किया और मैंने एले गर्ल का ये ब्राउ पोमेड लिया। ये अच्छा लगा मुझे यूज करने में, मजा आया, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रिकमेंड भी कर रही हूँ। मेरा शेड है जी डार्क ब्राउन और ये बजट फ्रेंडली भी है, आप इसको ले सकते हैं आई थिंक $4 to $5 में। अच्छा, नेक्स्ट बड़े मजे की चीज है, ये है एनास्टासिया का क्लियर ब्राउ जेल। आईब्रोज को अगर देर तक सेट रखना चाहते हैं तो फिर ये लाजमी यूज करें। इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, आपका जो आईब्रोज का नेचुरल कलर है वही रहेगा, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप आईब्रोज पे ये लगाते हैं ना ये जेल, तो ये काफी देर तक आपकी ब्राउज को वैसे ही सेट रखेगा जैसा आपने उसको रखा होगा। ये वाला मिनी है, इसमें एक बड़ी 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 बॉटल, बड़ी ट्यूब, व्हाटएवर वो भी आती है। नेक्स्ट है जी मेरे पास मेबेलिन का कंसीलर फिट मी। मेरा नहीं ख्याल इसके बारे में मुझे कुछ भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। रेगुलर यूज़ के लिए ये बेस्ट है और अफोर्डेबल भी है। मेरा शेड है इसमें लाइट सैंड, आई थिंक मैंने इसको तीसरी दफ़ा लिया है तो हम इस पर ईजिली ट्रस्ट कर सकते। अच्छा, ये हर जगह अवेलेबल पाकिस्तान में, बस आपको ओरिजिनल और फेक का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब है जी मेरे पास कवर गर्ल का ये लैश ब्लास्ट वॉल्यूम मस्कारा, जो कि माशाल्लाह इसमें इतनी बरकत है कि अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। बहुत अच्छा मस्कारा है, मतलब अगर मुझे इसको बार बार लेना पड़े तो मैं लूँगी इसको। रिमेंबर गर्ल्स, मैं सारे वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अफोर्डेबल अच्छा मस्कारा जो कि डेंस हो, देखना चाहते हैं तो ये वाला लाजमी आप ले लें। अच्छा, इस ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं ये देखने में छोटे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कवर नहीं करता लैशेस को, लेकिन ये फुल लैशेस को कवर कर लेता है, तो ये रिकमेंडेड है। लास्ट में मेरे पास हैं ये दो लिप कलर्स, जो कि मैं आपके साथ इसलिए ये स्पेसिफिकली शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ब्राउन्स में और रेड्स में आजकल मेरे फेवरेट हैं। लिक्विड हैं ये दोनों और दोनों मैट हैं। पहले बात कर लेते हैं इस ब्राउन वाले की, जो कि है रिमल लंडन का। शेड है ये जी लव बाइट और ये टोटली मैट फिनिश देता है। और दूसरा है जी लाइम क्राइम का, जो कि शेड का नाम है रेड वेलवेट, बहुत ही प्यारा शेड है और ये भी टोटली मैट फिनिश देता है। तो अच्छा रेड ढूंढ रहे हैं, अच्छा ब्राउन ढूंढ रहे हैं, तो ये दोनों शेड्स आपके पास होने चाहिए। ओके जी, तो ये थी वीडियो। कोई प्रोडक्ट मुझे स्पॉन्सर नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने लाजमी लाइक करना और प्लीज़ कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।